हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी फ़ोन है तो रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में वाईफाई स्कैन क्यूआर कोड ऑप्शन है तो वाईफाई स्कैन क्यूआर कोड ऑप्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में वाईफाई स्कैन क्यूआर कोड ऑप्शन है तो वाईफाई स्कैन क्यूआर कोड ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल आपकी सेटिंग शो हो रही है तो आपको यहाँ पर सर्च करना है वाईफाई। तो वाईफाई इस क्लिक करते ही वाईफाई सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो वाईफाई स्कैन क्यूआर कोड ऑप्शन है उसका यूज़ कैसे करेंगे, सिंपली आपको यहाँ से स्कैनिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ से स्कैन करके आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके यूज़ कर सकते हैं और किसी भी कोड क्यूआर कोड को स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। तो इस तरीके से वाईफाई क्यूआर कोड स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं अपने सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर ही वाईफाई क्यूआर कोड स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन ही आएंगे, जहाँ से आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है तो फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में वाईफाई स्कैन क्यूआर कोड ऑप्शन है तो वाईफाई स्कैन क्यूआर कोड ऑप्शन को कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल आपकी सेटिंग शो हो रही है तो आपको इस पर जाना है। यहाँ पर आपको बैक करना है, बैक करते ही आपको चाहिए वाईफाई भी क्लिक कर देना है तो ये सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपका स्कैनर ऑप्शन भी यहाँ पर शो हो रहा होता है। तो इसको आप इस तरीके से स्कैन करके किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वाईफाई स्कैन क्यूआर कोड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।